हे व्हाट्स गाइस, आई एम विकास एंड वेलकम टू आवर चैनल टी फॉर टेक्निकल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रेडमी का एक न्यू फोन लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है रेडमी नोट 7 प्रो। दोस्तों, आपने नोट 6 के बारे में जाना होगा जो काफ़ी बेहतरीन फ़ोन अभी कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन अब नोट 7 प्रो लॉन्च हो रहा है। और दोस्तों, ये फ़ोन अपने में काफ़ी बेहतरीन है। इसमें बहुत कैमरा इसकी स्पेसिफिकेशन है, इसमें मतलब इसका मेन पॉइंट है जो इसे बेहतरीन बनाता है वो है इसका कैमरा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि Redmi Note 7 में क्या खास बात है जो Redmi Note 6 Pro में नहीं है, और इसका रिव्यू करेंगे कि ये लॉन्च होगा, अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ लेकिन जल्दी इंडिया में लॉन्च होगा और ये काफ़ी बेहतरीन बन जाएगा और काफ़ी बिकेगा। तो और इसकी प्राइस आप सुनेंगे तो एकदम आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। तो इसके लिए हम इस वीडियो को पूरा देखिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम आपको Redmi Note 7 Pro के बारे में बताने वाले थे जो अभी जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, Redmi Note 7 Pro अपने में काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है जो इसकी प्राइस भी इतनी कम है और इसका कैमरा, मतलब इसकी मेन पॉइंट जो है इसका कैमरा। दोस्तों, Redmi Note 7 Pro में कैमरा काफ़ी अच्छा है और इसमें चलिए आपको बताते हैं इसके रिव्यू के बारे में। तो दोस्तों, Redmi Note 7 Pro सबसे पहले तो एक मिड रेंज फ़ोन है, और दोस्तों Redmi Note 7 Pro में आपको सबसे पहले 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है। इसका डिस्प्ले 9.5:9 रेशियो के सपोर्ट करता है। और दोस्तों, इसमें रही बात आप स्नैपड्रैगन की, तो दोस्तों इसमें आपको 660 का स्नैपड्रैगन मिलता है। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जो नोट 6 प्रो में 660 का स्नैपड्रैगन रहा वही इसमें भी 660 का स्नैपड्रैगन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, स्नैपड्रैगन में कोई चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन तब भी ये फ़ोन बेहतरीन है क्योंकि जब आप इसके कैमरे के बारे में जानेंगे ना तो आप खुद ही देखते मतलब हैरान हो जाएंगे कि इतना कैमरा, पहला फ़ोन है जिसमें इतना ज़्यादा कैमरा दिया है और इतने कम प्राइस में आपको ये फ़ोन मिल जा रहा है। तो दोस्तों, इसके कैमरे की बात करते हैं तो इसमें आपको आगे की तरफ 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो है वो आपको मिल जाता है। और इसके बैक कैमरे की बात करें तो बैक कैमरे में आपको 48+5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। दोस्तों, 48 मेगापिक्सल का अभी कोई फ़ोन नहीं है जिसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, और ये Redmi Note 7 Pro पहला फ़ोन है जिसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। दोस्तों, ये फ़ोन इसका कैमरा इसको बेहतरीन बनाता है। तो यही है, इसमें सबसे अच्छी खास बात है कि इसका कैमरा 48 मेगापिक्सल का बैक में है, जो डुअल कैमरा 48+5 मेगापिक्सल का बैक में कैमरा आपको मिल जाता है। इस फोन में आपको जब बैटरी की बात करते हैं तो दोस्तों, इस फोन में आपको 4000 mAh की वही सेम बैटरी मिलती है। दोस्तों, इसमें बैटरी में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इसमें कैमरा में मेन चेंज हुआ है। दोस्तों, ये पहला मिड रेंज फोन है जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। और दोस्तों, इसकी रही बात चार्ज की, तो इसमें आपको क्विक चार्ज मिलता है जो 4.0 को सपोर्ट करता है। हालांकि इसमें आपको चार्जर नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब अलग से लेंगे तो ये आपको फास्ट चार्जिंग में मिल जाएगा, और दोस्तों ये काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाएगा जो 4.0 को सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, इस फ़ोन में इसके रिव्यू के बारे में तो आप जान गए हैं, अब इसका फिजिकल रिव्यू के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो इस फ़ोन में आपको फ्रंट में आपको छोटी सी नॉच मिलती है, वाटर ड्रॉप वाली नॉच मिलती है, जिसमें आपको 13 मेगापिक्सल का वही कैमरा फ्रंट वाला मिल जाता है। और इसके बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में आपको डुअल कैमरा मिल जाता है, जो नोट 6 प्रो में जैसे वैसे ही डुअल कैमरा मिल जाता है। और उसके थोड़ा सा बगल में आपको जहाँ हर फोन में फिंगरप्रिंट रहता है, वहीं उसमें भी फिंगरप्रिंट मिल जाता है। इसके बाद आपको इसमें नीचे 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। इसके लेफ्ट साइड में आपको एक मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर, और इसके नीचे आपको एक मिल जाता है पावर स्विच ऑन स्विच ऑफ की। राइट साइड में आपको मिल जाता है एक सिम इलेक्ट्रिक टूल, जो डेडिकेटेड सिम इलेक्ट्रिक टूल है। और इसके नीचे की साइड में आपको मिल जाता है एक सेकेंडरी माइक, USB-C टाइप पोर्ट, और आपको एक स्पीकर मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा साउंड निकालता है। तो दोस्तों, ये फ़ोन इंडिया में जल्दी आने वाला है। अभी ये फ़ोन चाइना में लॉन्च हुआ है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये फ़ोन इंडिया में आ जाएगा। और इसकी प्राइस आप जब सुनेंगे तो आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि इतने कम प्राइस में इतना अच्छा फ़ोन। तो दोस्तों, इसकी प्राइस हम आपको बताते हैं, अगर आप 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के वेरिएंट लेते हैं तो आपको 10,500
₹500 में ये फोन मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप 4 GB और 64 GB रैम के वेरिएंट में लेते हैं तो आपको 12,500 में ये फोन मिल जाएगा लगभग इंडिया में। और अगर आप 6 GB और 128 GB की वेरिएंट में लेते हैं तो आपको यही ₹14,500 में ये फोन आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इसकी प्राइस इतनी कम है और इतना अच्छा कैमरा, मतलब सब कुछ इस फोन में सही है। तो दोस्तों मैं तो कहूंगा कि अगर आपने कोई नया फोन नहीं खरीदा है तो अभी मत खरीदिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये फोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा और ये फोन आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये फोन दोस्तों काफी अच्छा फोन है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में जो बेल वाला आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो लाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी वीडियो को देखते रहें। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही।